हिंद स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि मिश्रा। आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ लेसन 7 कॉल्ड सूझबूझ। शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन। वर्षा का अर्थ है बरसात, उपाय का अर्थ है तरकीब और मार्ग का अर्थ है रास्ता। अभ्यास प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, दोनों मित्रों के क्या क्या नाम थे? इसका आंसर है, दोनों मित्रों के नाम गंगाराम और दयाराम थे। क्वेश्चन नंबर 2, गांव में पानी क्यों भर गया? इसका आंसर है, गांव में खूब जोरों की वर्षा हो रही थी, इसलिए पानी भर गया। क्वेश्चन नंबर 3, लोग अपना अपना घर छोड़कर कहाँ जा रहे थे और क्यों? इसका आंसर है, लोग ऐसे स्थान पर जाने लगे जहाँ पानी न हो, क्योंकि उनके घर बरसात के पानी में डूब रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, गंगाराम ने क्या तरकीब सोची? इसका आंसर है, गंगाराम ने दयाराम से कहा कि मैं देख नहीं सकता और तुम चल नहीं सकते, तुम मेरे कंधे पर बैठकर मुझे रास्ता बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? इसका आंसर है, संकट में बुद्धि से काम लेना चाहिए, आपसी मदद से बिगड़े काम बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो। एक्सरसाइज में कुछ वर्ड दिए हैं, उसे आपको राइट करना है। वर्ड मैं पढ़ रही हूँ, गंगाराम, मजबूर, ध्यान, तरकीब और सूझबूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए शब्द बनाओ। अन शब्द से बना हुआ शब्द अंधा, अंगूर। आन शब्द से बना हुआ आंधी और आख। कंग शब्द से बना हुआ कंधा और कंगन। दस शब्द से बना हुआ वर्षा और हर्ष। क्या शब्द से बना हुआ क्या और वाक्या। और बै शब्द से बना हुआ बैठ और बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुक मिलाओ यानी नए शब्द बनाओ। बात का तुक है रात, सोची का तुक है मोची, छोड़ का तुक है तोड़, कैसे का तुक है वैसे, सूझा का तुक है बूझा और गांव का तुक है नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानो। दिन का विलोम शब्द है रात, जाना का विलोम शब्द है आना। और लास्ट क्वेश्चन है, सुलेख में लिखो। आपसी सहयोग से सभी काम बन जाते हैं। दिस वीडियो इज ओवर नाउ।